नमस्कार, मैं राकेश कुमार, देवभूमि स्वर्ण संगठन बलमंडल अध्यक्ष। मैं आज मीडिया के माध्यम से आप सभी प्रदेशवासियों को कुछ बातें कहना चाहता हूं। जैसे कि अभी 24 अप्रैल 2022 को भाई रमित ठाकुर जी ने, भाई मदन जी ने डीजेपी का ऐलान किया, डीजेपी देवभूमि जनहित पार्टी का ऐलान किया। तो हमारे रमित ठाकुर जी, मदन ठाकुर जी अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारे रमित जी को पार्टी की कमान दी हुई है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मदन जी संगठन संभालेंगे, देवभूमि स्वर्ण संगठन। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पूरे प्रदेश में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हालत खराब है। आज आप कोई दिहाड़ीदार बंदा है, कोई भी आदमी है जो 300-400 रुपए दिहाड़ी कमाता है, वो शाम को नमक ले जाएगा या डालडा घी ले जाएगा, क्या लेके जाएगा? अगर उसको एक बार में अगर पूरे चूल्हे का सामान ले जाना है, पूरी रसोई का सामान ले जाना है, तो उस दिहाड़ी से वो शाम को पैसा, जो भी पैसा होगा, तो अपना पूरा शाम का खाने का इंतजाम नहीं कर पाएगा। आज महंगाई पूरे प्रदेश में चरम सीमा पर है, बहुत बढ़ रही है। तो हमारे देवभूमि जनहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमित जी ने ऐलान किया हुआ है, जैसे ही हमारी पार्टी यहां पर ठाट विधानसभा 2022 में चुनाव लड़ेगी, अगर हमारी सरकार आएगी, तो 250 रुपए से लेकर 300 के बीच में सीमेंट का बैग होगा, लोगों को एक समान अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का, हर व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, हर जगह से किसी को भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी। हमारे हिमाचल में बहुत रोजगार है, हिमाचल में हिमाचलियों को आगे किया जाएगा, सबसे पहले उनको रोजगार दिया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या होता है। बाकी मैं अभी भी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग पार्टियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, बीजेपी कांग्रेस, क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। मैं खुद बीजेपी का समर्थक था, मैं खुद ऐलान कर रहा हूँ, मैं खुद बीजेपी का समर्थक था, लेकिन इन पार्टियों ने कुछ भी नहीं किया। महंगाई चरम सीमा पर, हालत बेकाबू है। जयराम जी ने बस में 50% कर दिया, बसें जगह जगह पर हांफ रही है, कोई कहां पर, कोई कहां पर। अभी तक HRTC कर्मचारियों को पेमेंट पूरी टाइम पर नहीं मिलती है, हालत खराब है प्रदेश की। और हमारे रमित जी ने ये भी ऐलान किया हुआ है कि HRTC को जो है रोडवेज का दर्जा भी दिया जाएगा अगर हमारी सरकार हिमाचल में आएगी। बहुत बहुत मुद्दे हैं, लेकिन मैं फिर भी DJP का स्वागत करता हूँ, देवभूमि जनहित पार्टी का स्वागत करता हूँ, और मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब प्रदेश में तीसरा विकल्प आ गया है, DJP देवभूमि जनहित पार्टी। आप सभी लोग जागरूक हो जाएं और DJP का साथ दें। जल्द ही बूथ स्तर पर कार्यकारिणी बनाई जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा, हर जगह मीटिंगें की जाएगी, रैलियां की जाएगी। तो आप सभी लोग देवभूमि जनहित पार्टी का सहयोग दें। जय हिंद, जय भवानी, जय राजपुताना, वंदे।